दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में मांगों को लेकर एबीवीपी की हड़ताल लगातार जारी है। कैंपस को सोमवार को ही खोलने की अधिसूचना प्रशासन ने जारी कर दी थी, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता सुबह से ही विश्वविद्यालय के दौलाधार कैंपस में अपने बैनर लेकर जुट गए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कैंपस में आने से रोकने की रणनीति बनाई थी। इस दौरान डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता गेट पर ही बैनर लेकर बैठ गए थे। वहीं हल्की गहमागहमी भी हुई, लेकिन छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और नारेबाजी करते रहे। डीन भी उसके बाद वहां से लौट गए। मैं ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे ऐसा कोई बात नहीं है जो मेरी मांगे नहीं सुनी गई है। अपनी क्षमता के अनुसार और जितना मुझमें कैपेबिलिटी है, हमेशा इनकी मांगे सुनी भी और पूरी भी की है। कुछ पूरी हो जाती हैं, ज़्यादा पूरी हुई हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, इस वजह से जो है कई बार पूरी नहीं हो पाती, और वो ये एक कारण है कि मतलब ये स्टूडेंट्स एजिटेट हैं। सर बात करें, अगर आज यू के प्रशासनिक अधिकारी कोई अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो किस तरह से आगे आपकी योजना रहेगी, क्या कार्रवाई जो है इन छात्रों पर रहेगी, क्या कहेंगे? आज की जो सारी ये डेवलपमेंट्स हैं, इन सारी डेवलपमेंट्स को जो हैं वो उनके संज्ञान में लाया जाएगा माननीय कुलपति महोदय की, और आगे विश्वविद्यालय क्या करेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह का निर्णय लेगा वो उसके बाद तय किया जाएगा। धन्यवाद। झूठे केस लगाने की भी बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या छात्र के? मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। नाम वैभव खरवाल, बीवॉक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष। मैं आप सबको बता दूं कि जिस प्रकार से जो अनिश्चितकालीन धरना जो है हमारा ये कैंप ऑफिस में चल रहा है, तो इसके चलते आज DSW और बाकी प्रशासन के कुछ अधिकारी हमसे बात करने आए, लेकिन हमारी विद्यार्थी परिषद की एक ही मांग है, जिसने भी तानाशाही फरमान निकाला था यूनिवर्सिटी को बंद करने का, और अब जो है 2 दिन पूर्व इसका खोला जा रहा है यूनिवर्सिटी को, तो हमारी यही मांग है जिसने तानाशाही जो फरमान निकाला है वो आके हमसे बात करे और बताए कि छात्र शांति क्या है और छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, छात्रों की मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। मुझे लगता है ये स्कूल अच्छा रहेगा। अच्छा, ये पावर्ड बाय लीड मतलब एजुकेशन दैट मेक्स यू रेडी फॉर लाइफ। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम विद मी, टीचर्स हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सिखाते हैं। Our curriculum makes learning easy and simple. और हम ready for life. चुनिए वही स्कूल जो बनाए आपके बच्चों को कल के लिए काबिल। Find a lead powered school near you.